बातों बातों में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिस बात की वजह से आपकी बात बन जाती है। क्या तुम ठीक तो हो ना सनी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो क्या बोल रहे हो, ऐसी बात वैसी बात, कौन सी बात, किसकी बात और कैसी बात? हुनर की बात प्रिंसी, हुनर की बात। हमारा अगला सेगमेंट जिसमें चलते चलते और बात करते करते कुछ ऐसी बात निकल आती है जो आपके करियर को नया आयाम दे सकती है। जी हाँ, और आज हुनर की बात में हमारे साथ है चेकमेट के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम महूरकर। विक्रम जी, आपने हमारे देश में एक बेमिसाल सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है। आपने एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉय किया है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। हमारे देश में आपने एक नया आयाम दिया है। जी सर। ये इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये जो कंपनी थी ये 1985-86 में जी ये गुजरात में शुरू की थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, और ये कहते कहते 1994-95 में जी आई थिंक चेकमेट वॉज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ एक्स सर्विसमैन। और एक्स सर्विसमैन का एम्प्लॉयर होते हुए हमारे पास उस समय करीब 10,000 एक्स सर्विसमैन थे। अच्छा जी। सबसे बहुत स्पेक्टेकुलर देखने के लिए और काम मतलब इम्पोर्टेंस जो होती है वो आपकी फायर फाइटिंग के सिलसिले में होता है जी। हाँ ऑफकोर्स, फायर फाइटिंग तो है हमारे पास, यानी कि फायर फाइटर्स हैं, गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं जी। आपकी फायर फाइटिंग में क्या फ़र्क है, आपकी क्या ट्रेनिंग है और किस तरह के मुश्किलों का आप सामना करते हैं फायर फाइटिंग के लिए? हमने एक रिफाइनरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे ये कई जगह टैंक फायर्स हुए इंडिया में इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, जहां बहुत माल के अलावा जान का बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक वी डोंट क्रिएट अ सिनेरियो बट इट इज़ अ रियल लाइफ टैंक जी। इट इज़ अ रियल जिसे कहते हैं स्टोरेज टैंक विद रियल फ्यूल एंड लाइव फायर। तो हम अब जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसमें ट्रेनिंग के लिए वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक लेवल अटेन कर चुके हो जी रिफाइनरीज में। सो जनरली ऑल दी बिग ऑयल पीएसयूज कम एंड ट्रेन इन दिस। फायर फाइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि पानी का होज उस पे लगा दिया, नहीं नहीं, कुछ बारीकियत होगी जरूर। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा बारीकियत है। एक सेकंड बताइए कि जैसे 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 आप अगर आपने फायर होज के बारे में बताया तो इसमें बारीकियत मतलब बहुत ज्यादा बारीकियत है, बिकॉज जो इसमें प्रेशर होता है इट इज़ अप टू 7.5 to 8.5 kgs अच्छा यू आर एक्चुअली फाइटिंग अ रिफाइनरी फायर जी। उस समय ना कि आपकी ट्रेनिंग के अलावा आपके बाजू में भी दम होना चाहिए उसको पकड़ने का, बिकॉज अगर जो आप उसको सही पोस्चर से सही ट्रेनिंग के साथ आपने नहीं पकड़ा है उसको, सो इट कैन इवन गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड किल यू, बिकॉज दैट होज कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन हिट यू ऑन योर जॉ एंड सम देयर हैव बीन वेरी सीरियस इंसिडेंट्स। अच्छा। So, a very important point, Kak Saab, jo aapne bataya, which now comes out is that in India, there is no training institute. There are a lot of classroom lectures taking place in air-conditioned rooms. Jee. Where they say, you know, this is the equipment, this is how it is used, and this is what you do in case of a fire. But if you ask anybody that, sir, the equipment, that hose that you are showing him in the air-conditioned room, has he ever used that? Or has he ever trained it on a live fire? No. That is why I go back. We are talking of real fuel, live fire. आज आप देखें जो जितने भी hospitals वगैरह में जो accidents हुए हैं, ये इसमें लोग आग से नहीं मरे हैं, इसमें लोग smoke inhale करके मरे हैं, suffocation से मरे हैं। तो हम वो training भी provide करते हैं, which is very important for security guards who are posted in hospitals, in hotels, etc. in all these places. Achha. In place of a terrorist attack, aap dekhein. So there is a lot of fire and there is a lot of smoke. Ji. So to make it a safe environment, these are the people who can play a very major role in evacuation. Achha. Mere hisab se jo sabse important ek opportunity hai, wo main ye kehna chahunga ki hamare yahan is institute mein फायरमैन और सब फायर ऑफिसर का भी कोर्स चलाते हैं। अच्छा। और ये 6 महीने का और 8 महीने का कोर्स होता है हमारे यहाँ। हाँ। The job opportunities are, I'll say there is a vacancy level of 95% in the fire field। यानी कि उसने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया तो उसको नौकरी मिल गई। बिल्कुल सर। आप ये देखेंगे कि उसको चॉइस मिलेगा उसमें भी। अच्छा। He will get a choice of geography कि मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ करना चाहता हूँ। और इसमें सर एक और जो इशू आजकल ये आ रहा है कि हमारे यहाँ से जो लड़के, जितने हम पिछले 8 साल से ये कोर्स करवा रहे हैं, जितने भी लड़के पास आउट होके जा रहे हैं, ये जनरली 1-2 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं टिकते और ये सारे अब्रॉड चले जाते हैं। अच्छा। बिकॉज दी सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेट्रा आर हायर अब्रॉड।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, आप इन सब बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि टुडे आज अब्रॉड कहीं भी जाएं, अ फायरमैन इफ यू आर स्टेइंग नेक्स्ट टू अ फायरमैन हाउस, पीपल से दैट यू आर स्टेइंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, अ पर्सन हु डज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन बिकॉज ही हैज सेव्ड सो मेनी लाइव्स, ही इज अ हीरो अब्रॉड। तो वो जो आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे गार्डिंग के अंदर वगैरह में जी, वो फायरमैन के लिए उससे कहीं बहुत आगे जाता है। तो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है बट एक रिस्पेक्ट है, और एक कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से अ फायरमैन दो बीइंग अ 10th क्लास पास हैज गॉट मच मोर टू नॉट ओनली लर्न बट प्रोग्रेस इन लाइफ। हमारे देश में जो है वॉचमैन माना जाता है कि ऑल पर्पस, वो आपका सामान भी लाता है, वो देखभाल भी करता है, उसकी खास इज्जत नहीं है। तो आपकी कंपनी से ये इज्जत आपको लगा कि कुछ बड़ी है देश में, सिक्योरिटी एजेंसी की कोई इज्जत है खास तौर से? बिल्कुल सर, मैं इसमें एक वर्ड है चौकीदार जी, और हम जब उस समय कंपनीज में जाते थे हम बोलते थे कि आप गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को आप चौकीदार की तरह मत देखिए, सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है और चौकीदार अलग होता है जो आपका बैग उठाएगा, पानी पिलाएगा, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम माय सिक्योरिटी गार्ड एट लीस्ट जी, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव हिम रिस्पेक्ट। अगर किसी को जो गांव देहात में रह रहा है जी, वो आपके चेकमेट में या कुछ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके सामने क्या उपाय है? एज ग्रुप उसका जो है ही शुड हैव क्रॉस 19। अच्छा, एंड अपार्ट फ्रॉम द हिली ट्राइब्स देयर इज अ हाइट क्राइटेरिया, he should be 10th pass, he should be of that age group, and the selection process is very simple, if you are able to read a newspaper I think he is good enough to be a security guard। us selection process tak aaye kaise? har ek gaon mein hamara jo advertisement hai wo pahunchta hai, zila sainik board jo hai jo 90% rural areas mein hai unke through bhi, unke ex servicemen wards ke through bhi unke gharon mein pahunchta hai। acha, koi bhi ladka agar jo wo 10th class pass hai aur above the age of 19 है तो वो खुशी से हमारे यहाँ आ सकता है, और थोड़ा भी उसको डाउट है कि उसको वो क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसको हम थ्रू आवर ट्रेनिंग एंड थ्रू आवर परसुएशन एंड द काइंड ऑफ फैकल्टीज वी हैव वी विल बी एबल टू गेट हिम टू दैट लेवल वेयर ही कैन मेक अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर। शुरुआत में ही आपको कितनी आमदनी तनख्वाह आपको उम्मीद कर सकते हैं? आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 8,000 to 10,000 रुपीज एक सिक्योरिटी गार्ड जो है जी वो 26 दिन का वो कमा सकता है, और एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। हुनर पास आजा, हुनर दिखा दे आ।